हम एग्जाम्पल 7 बनाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को इसका रूट बताना है, राइट। और रूट के बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन पार्ट से पहले रूट्स के बारे में पढ़ लीजिए क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल 7 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हमारा एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 में आपका इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - 4x और +3, राइट। आपका इक्वेशन ये दिए हुए हैं और आपको अब पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको नेचर रूट्स के पते करने हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² + bx + c, राइट। हेयर तो आपको मिल जाएगा a = 2, b = मिल गया आपको -4 और c = आ गया आपके 3, राइट। और नेचर पता करने के लिए हमको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, जो d होता है, d = b² - 4ac, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, राइट। अब यहाँ पे रखेंगे हम b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 और a है हमारा 2 और c है 3, राइट। तो 4 4 जा 16 हो गया, -4 2 जा 8 8 जा 24। यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, हमारे पास बच जाएंगे 8 और ये बन गया 6। ये माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा -8। क्लियर? -8 आ गया हमारे डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो -8 क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल, और क्या बोलते हैं इसको, और इसे हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, राइट। ये हो गया आपके आंसर, 0 से छोटा आता है तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी हो जाता है और नॉट रियल रूट होता है। क्लियर? तो अब आगे चलें, नो रियल रूट, राइट। अब एग्जाम्पल 8 चलते हैं। एग्जाम्पल 8 देखिएगा, एग्जाम्पल 8 में आपका एक प्रॉब्लम दिया है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, एक पोल है हमारा बाउंड्री पर, राइट, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, तो क्या करते हैं अपन लोग ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और इसका फिगर भी बनाते जाते हैं। तो ये हमारा एक सर्कुलर पार्क है, इसका ये हो गया सेंटर, राइट। जहाँ बोल रहा है कि क्या है, एक हमारा डायमीटर है 13 मीटर्स का, तो एक डायमीटर बना लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा डायमीटर है जो कितना है 13 मीटर्स का है। क्लियर? अब आगे देखिए, इन सर्च अ वे द वे डेट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ओपोजिट फिक्स गेट्स, इसके ओपोजिट क्या है, एक फिक्स गेट्स है ए और बी के ओपोजिट, ये हमारा ए है और क्या है बी है, ये 13 सेंटीमीटर का है, 13 मीटर का है, ठीक। अब क्या करें, इसके ऑपोजिट एक गेट है हमारे, तो इसके ऑपोजिट हम गेट कहाँ ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं इसके ऑपोजिट गेट्स यहाँ पर, ठीक, चलिए यहाँ ले लिए, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा ऐसे, अभी हो जाएगा ऐसे, इसको नाम दे देते हैं हम सी, राइट। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
अब आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, ऑपोजिट फिश गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। जो ये ऑपोजिट गेट है ना, वो इससे इनसे डिफरेंस कितना है, 7 मीटर का डिफरेंस है, राइट 7 मीटर का डिफरेंस है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको एक्स, तो 7 मीटर का डिफरेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। क्लियर, ये अपन लोग लेट कर लिए, लेट कर लेते हैं यहाँ, लेट बीस इक्वल एक्स मीटर, तब हमारा ऐसे क्या हो गया, एक्स प्लस 7 मीटर, राइट। और हमारा ए बी है 13 मीटर, ये हमारा क्या है, गिवन है, इसको लिख सकते हैं ये गिवन। क्लियर, इतना सा चीज़ दिया है। और ये हमारा सेमी सर्कल है, देखिए ये जो गेट है और ये जो गेट बन रहा है, ये जो आपके साइड बन रहे हैं, ये सभी कहाँ बन रहे हैं, सेमी सर्कल के अंदर। इतना मिटा दीजिए, इतना का कुछ वर्क नहीं हो रहा है, ये वाले पार्ट जो है ग्राउंड सर्कुलर पार्क के, इसका कुछ काम नहीं हो रहा है, इस पार्ट का काम हो रहा है ना, ए बी और ये सी इधर का काम हो रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऐसे मिटा देंगे तो एक सेमी सर्कल बन रहा है इस ओर, तो सेमी सर्कल बन रहा है तो यहाँ पे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री का होगा हमारा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। कैसे, यहाँ लिख सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, राइट, सेमी सर्कल के एंगल बन रहे हैं एक, जो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे अपन लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है ना, ए बी सी, इस पे लगा देते हैं हम लोग पाइथागोरस, हाँ लिख दीजिए, बाई पाइथागोरस गोरस, राइट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा ए बी है 13 का स्क्वायर हो गया, ए सी ही हमारा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, एक्स का स्क्वायर, राइट। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट, प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया हमारा। अब आगे कहते हैं 169 इज इक्वल एक्स का स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर जुड़ गया, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर, 7 7 जा 49, राइट, 2 7 जा 14 और प्लस एक्स 14x। अब इसको अंदर ले लेते हैं, राइट, आगे कहाँ बनाएं, इधर बना देते हैं, जगह है ना हमारे पास, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल 0, राइट, 2x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ माइनस करते हैं हम, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, माइनस का 120 इज इक्वल 0। ये तीनों देखिए 2 से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14x, 2 7x और माइनस 2 6 जा 12, 60 इज इक्वल 60। अब इसको क्या कहते हैं हम, मिडिल टर्म फार्मूला से बना देते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 1 और 60 1 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब आपको 60 का फैक्टर करके दो नंबर पता करना है, किसका, 60 का फैक्टर करना है, दो नंबर पता करना है जिसका मल्टीप्लाई, जिसको माइनस या एड कर 7 आ जाए, तो आपका देखिए 12 और 5, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, तो 12 और 5 हमको मिल गए नंबर, वो कर देते हैं फैक्टर, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल
जीरो यहाँ से, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकल गया हमारा एक्स, अंदर बच गया एक्स प्लस ट्वेल्व, राइट, और यहाँ से कॉमन निकला माइनस बाहर, और अंदर बच गया एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल जीरो, राइट। तो यहाँ आ गया एक्स प्लस ट्वेल्व, ये दोनों सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस ट्वेल्व, और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ फाइव माइनस बाहर निकला ना, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल जीरो, क्लियर। तो हमसे सॉल्यूशन पूछा था ना, एग्जांपल एट का, राइट। तो यहाँ हमारा एक्स प्लस ट्वेल्व भी जीरो के इक्वल होगा, और एक्स माइनस फाइव भी क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। एक्स इक्वल आ गया प्लस का ट्वेल्व, उधर गया माइनस का ट्वेल्व, और यहाँ एक्स इक्वल आ गया प्लस का फाइव, ये दोनों आ गए आपके आंसर, क्लियर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, नोट्स कर लीजिए इसको, आगे चलेंगे अब हम लोग एग्जांपल नाइन में। एग्जाम्पल नाइन देखिए आपका क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इक्वेशन का, जो हमारा इक्वेशन है उसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, राइट, और फाइंड नेचर ऑफ इट्स रूट, क्लियर, फाइंड देम इफ द दे आर रियल। अगर ये रियल होंगे तो हमको क्या करना है, आगे फाइंड करना है, सोल्व करना है। तो इक्वेशन उठा लेते हैं अपन लोग को जो गिवेन है, गिवेन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन में थ्री, ये इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ गिवेन इक्वेशन आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, सी, सो हेयर ए इक्वल हो गया हमारा थ्री, बी इक्वल आ गया माइनस टू, और सी इक्वल आ गया वन अपॉन थ्री। ये लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही आपको हेडिंग डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे। कंपेयर विद गिवन इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हेयर ए इक्वल बी इक्वल और सी इक्वल, राइट। तो अब अपन लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। तो बी क्या है हमारा, बी है टू, तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया माइनस फोर, इंटू ए क्या है हमारा थ्री, और इंटू सी है वन अपॉन में थ्री, ये थ्री से थ्री कट गया, टू टू जा फोर आ गया, माइनस फोर वन जा फोर, फोर फोर हो गए हमारे जीरो, राइट, फोर फोर कितना हो गया जीरो, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया जीरो। तो ये क्या कहलाएगा, इसका रूट्स क्या कहलाएगा, रियल, तो रूट्स हो जाएगा, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर। और इसमें बोला गया अगर रियल रूट्स है तो अपने को क्या करना है, इसको फाइंड देम करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल, राइट, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, क्लियर। रूट डी लिख सकते हैं आप, या रूट डी के जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कहे कि ये डी और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दोनों बराबर है, तो मैं इसके जगह पे ये डी को लिख दिया, ठीक, दोनों लिख सकते हैं आप, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल माइनस, अब बी का है तो बी है हमारा माइनस का टू, ठीक, माइनस टू,
प्लस माइनस रूट के अंदर जीरो। अब ये टू और ए क्या है हमारा, ए है थ्री। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का टू प्लस माइनस रूट का जीरो। तो जीरो मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो जीरो का रूट भी कुछ नहीं होता, जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ये बचा ही नहीं। और नीचे बच गया टू थ्री जा सिक्स, राइट। अब ये देखो डिवाइड हो रहा है ये दोनों एक दूसरे, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। तो एक्स इक्वल आ गया हमारा वन अपन में थ्री। तो आपके सॉल्यूशन जो है वो दो आ गए, दो बार निकालेंगे ना, एक्स यहाँ पे और एक एक्स यहाँ पे, तो दोनों का वन अपॉन में थ्री, वन अपॉन में थ्री होगा। तो हमारे आंसर हो जाएंगे वन अपॉन में थ्री और वन अपॉन में थ्री, ये हो जाएंगे आपके आंसर, राइट। यही आपके हो गए एग्जांपल नाइन का सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में, नोट कर लीजिएगा आप लोग। फोर पॉइंट थ्री, क्लियर। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, पढ़िएगा क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपको नेचर फाइंड करने हैं रूट्स के, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया है, और कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर वो रियल रूट्स है तो उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं आपको, राइट। तो करते हैं स्टार्ट सॉल्व। आपको इक्वेशन दिया है फर्स्ट नंबर का, कर रहे हैं ना सॉल्व, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल जीरो, क्लियर। तो लिखिए कंपेयर विथ दिस इक्वेशन आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। तो हेयर ए इक्वल टू, बी इक्वल माइनस थ्री और सी इक्वल फाइव, राइट। अब निकालेंगे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसी से डिस्क्रिमिनेंट से आपको क्या पता चलेंगे, इसके रूट पता चलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। तो बी क्या है हमारा माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है टू, और सी है हमारा फाइव। थ्री थ्री जा नाइन, फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी। तो ये आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, फोर टू जा एट, एट फाइव आठ, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 31 माइनस का, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे सो रूट्स आर नो रियल, और लिख सकते हैं इसको इमेजिनरी। ये हो गया आपके आंसर फर्स्ट का, राइट। आगे चलते हैं सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है आपका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो। लिखने वाला आप काम कर लीजिएगा कंपेयर विथ वाला, राइट। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इक्वल बी इक्वल, आपको फर्स्ट नंबर बता दिया गया है वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा फोर रूट थ्री और सी इक्वल फोर, ये आपके दिए हुए हैं, क्लियर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी क्या है हमारा माइनस फोर और रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है हमारा थ्री इंटू सी है हमारा फोर,
तो माइनस स्क्वायर हुआ तो माइनस ख़त्म हो गया, ठीक। और फोर फोर जो आपका 16 हो गया, और ये इससे कट गया इंटू थ्री, माइनस फोर, फोर थ्री जा 12, फोर थ्री जा 12, और 12 फुट जा 48, 48 माइनस 48 ये हो गए हमारे जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया जीरो। तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और याद लिख सकते हैं इमेजिनरी, राइट। तो हमको क्या बोला है, फाइंड एंड, तब अपन लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो नाउ राइट, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में टू ए। तो माइनस बी, बी क्या है हमारा, माइनस है, तो माइनस, और फिर आ जाएगा माइनस का फोर रूट थ्री, राइट, और प्लस माइनस रूट जीरो टू, और ए हो जाएगा हमारा थ्री। माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर रूट थ्री आगे प्लस के, और एक तो खत्म हो गया, प्लस माइनस रूट जीरो, जीरो इसलिए खत्म, और यहाँ आ गया टू थ्री जा सिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स का सॉल्यूशन है वो दो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट थ्री, और यहाँ से एक थ्री बाहर निकलेगा, और हो जाएगा एक टू रूट थ्री और थ्री, ये हो गया आपके आंसर, राइट, टू रूट्स, टू सॉल्यूशन, ये आपके आंसर हो गए एक्स के, क्लियर। अब थर्ड नंबर चलें, थर्ड नंबर देखिए आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल जीरो। बाकी लाइन आपको खुद से लिख लेना है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताए थे उससे देखकर। ए को ला गया 2, बी को ला गया माइनस 6, और सी को ला गया आपके 3। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b क्या है हमारा, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए हो गया हमारे 2, और c हो गए 3, 36, 4 टू जेड 8 थ्री जा 24। अब यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, d इक्वल कितना आ गया आपके 12 आ गया, राइट। अब ये क्या है हमारा, रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये रूट्स हमारे हो जाएंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। तब और हमको क्या बोला क्वेश्चन में, अगर रियल है तो हमको इसका सॉल्यूशन आगे करना है, तो इसका सॉल्यूशन आगे करना होगा, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी लिख देते हैं, राइट, डी यहाँ 12 निकालें उसी को लिख देंगे डायरेक्ट, अपॉन में 2a, माइनस बी क्या है हमारे, माइनस का 6 है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा, ए है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये 12, देखिए 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यहाँ 2 का पेयर बना है तो इससे 2 बाहर निकल गया, अंदर बच गया आपका 3 और 2 2 जा 4, राइट। और यहाँ कट भी रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया आपका 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 आया है ना, 4.3 का थर्ड नंबर।
और यहाँ से ए टू कट गया, ठीक है, यहाँ पास ये कट गया। ये जो फोर है इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में है, तो यहाँ वाला क्या हो गया, कट गए। तो हमारे पास ये थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपोन में टू। तो यहाँ पे हमारे जो दो सॉल्यूशन है वो क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री अपोन में टू, और एक हो जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री अपोन में टू, और या डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। ये हो गया आपके आंसर, क्लियर। ये आप डायरेक्ट आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर टू हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हमारा लॉन्ग हो जाएगा, राइट।